आदतन अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और समथिंग 22 का समथिंग तक लोग ही मन को लॉरेंस गैंग से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। लगभग 215 लोकेशंस पर दबिश दी गई और लगभग 200 के आसपास जो है आपराधिक तत्वों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। राम राम जी, मैं अरुण ओथे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। झुंझुनू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, झुंझुनू पुलिस के द्वारा जो वो 200 जगह अपराधी प्रवृत्ति का लोग की गिरफ्तारी हुई है। और बता दूं कि झुंझुनू पुलिस के द्वारा लगभग 68 टीमों को गठन करे गए, जगह के अंदर 450 जगह जवान भी के अंदर शामिल है, और 215 जगह दबिश देगी, 200 लोगों जगह भी गिरफ्तार करे गए हैं। और काफ़ी लोगों को एक अंदर यह भी संशय है कि भाई गिरफ्तारी के बेस पर करी जा है, कोई मन को FIR हुआ है या फिर कोई कोई गैंगस्टर फॉलो बैक कर रहे हैं, तो भी चीज़ें लेगी। मैं SP साहब से बातचीत कराँगा कि के पूरा मामला हो और कया जगह वो दबिश देगी, किन किन गिरफ्तार करे गए हैं और के बिहार पर करे गए हैं। सारी जगह जनता की कुछ यो कन्फ्यूजन यो है, पूरो वीडियो देखने बाद पूरो जागो। और बताया यो भी जा रहे हैं कि ये जगह 200 लोग इनमें से 22 का समथिंग जगह लोग ही मन को लॉरेंस गैंग से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होना है, लास्ट तक देखना है, और SP साहब से बातचीत करने की कोशिश कराँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से, पूरे झुंझुनू की जनता की तरफ से, कि इतनी शानदार कार्रवाई थी करी। और झुंझुनू की जनता को जो खड़ा कि एक डर जो को होया कर तो पहले अपराधियां लेके वो कुछ ना कुछ कम होया है, तो 20 सीजन लेगी थारा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भी काल की जगह कार्रवाई भी थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि के कार्रवाई ही किन के खिलाफ हुई ही और के हिसाब से करी गई। वह देखिए, राज्य सरकार की जो मंशा है ओवरऑल पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में ये संपूर्ण कार्रवाई कल की गई थी। मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, जो कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, उसको सार्थक करना, ये हमारा उद्देश्य था। कल की कार्रवाई में हमारे लगभग 68 टीमों का हमने गठन किया था पुल, उसमें लगभग 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी समस्त रैंक्स के, चाहे वो एडिशनल SP हों, COs हों, SHOs हों, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हों, सभी उसमें शामिल रहे। लगभग 215 लोकेशंस पर दबिश दी गई और लगभग 200 के आसपास जो है आपराधिक तत्वों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। सूचना यह भी मिली कि जाए कि कुछ हथियार वगैरह भी उनके मिले हैं? वर्तमान में पूछताछ उनसे जारी है, हथियार निश्चित तौर पर इनसे मिलेंगे भी, आपराधिक गतिविधियों के बारे में इनसे पूछताछ अभी जारी है। विस्तृत रूप से सभी SHOs ने अपने अपने थानों पर पूछताछ नोट बनाए हैं, आने वाले समय में ये पूछताछ नोट जो है एक डेटाबेस की तरह हमारे लिए उपलब्ध रहेगा कि किस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां जिले में या जिले के आसपास या बॉर्डरिंग क्षेत्र में जो है हो रही हैं, और समय रहते उन पे रोकथाम लगा पाना, इसमें हमें मदद मिलेगी। काफ़ी अपने जगह दर्शक हैं झुंझुनू का लोग, बन को यो भी है कि या कार्रवाई के हिसाब से करी जा रही है, कोई FIR बन के खिलाफ है, बन के खिलाफ करी जा रही है, फिर जहाँ कोई बोल रहे हैं कि भाई कोई फॉलो कर रहा है, गैंगस्टर है, तो के बिहाफ पर यह कार्रवाई करी गई? देखिए, जो आदतन अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टें, आपराधिक पोस्टें जो है वो लगाते हैं, उनको हमने डेटाबेस तैयार करके, कुछ डेटा पुलिस मुख्यालय द्वारा भी दिया गया था, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। जो भी लोग हिरासत में लिए गए उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जहां पर प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता थी वहां प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जहां पर इंसदादी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी वहां इंसदादी कार्रवाई की गई। अभी जब मैं SP ऑफिस में आ रहे हो तो जहां बारह बातचीत कर रहा है कि SP साहब जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो खरपतवार ने ज़्यादा बढ़ने से पहले ही बार मिटा रहे हैं, तो क्या लगा कि इससे कितनों जो को अपराधात्मक कमी आओगी झुंझुनू के अंदर? निश्चित तौर पर आंकड़ों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास हमारा यही है कि आजकल का जो युवा है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश थोड़ा सा भटक जाता है, वो अपराध के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस चीज़ को देखे कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं, वो यह देखे कि आपराधिक दुनिया जो जितनी ग्लैमरस सोशल मीडिया पर लगती है, वास्तविकता वैसी नहीं है। झुंझुनू पुलिस का भी और पुलिस मुख्यालय का भी यही दो टूक संदेश है कि अपराधी जो हैं वो या तो अपराध करना छोड़ें या जगह छोड़ दें। बिल्कुल, ये तो एक तो काफा कि झुंझुनू के सिंघम की तरफ से क्या चेतावनी माना अपराधियों के लिए कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर झुंझुनू। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही रहता है। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर एडिशनल DG क्राइम के सुपरविजन में आज संपूर्ण जयपुर रेंज में, जिला झुंझुनू में,
वांछित अपराधियों, आदतन अपराधियों, हिस्ट्री शीटर, एक्टिव क्रिमिनल्स, इन सभी के विरुद्ध एक संयुक्त कार्रवाई संपूर्ण जिला पुलिस द्वारा आज की गई। इस कार्रवाई में समस्त थाने जिले के शामिल रहे। लगभग 68 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने सवेरे जल्दी आज सवेरे से लेकर के जो भी आदतन अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनको हिरासत में लिया गया। लगभग इसमें 215 लोकेशन, 215 स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और 200 के आसपास आदतन अपराधी, हिस्ट्री शीटर्स, एक्टिव क्रिमिनल्स को जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। इन सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाकर तथा इंसदादी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। उद्देश्य इसका केवल एकमात्र है कि जिले में शांति अमन चैन कायम रहे। ये एक सख्त मैसेज है अपराधियों के लिए कि या तो वे अपराध करना छोड़ दें या जिला छोड़ दें। पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में इसी प्रकार से अनवरत जिला पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। जो भी आदतन अपराधी यहाँ पर एक्टिव हैं, जो भी उनके ऊपर पुलिस जो है लगातार सर्विलांस रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रही है, किसी भी प्रकार के अपराध को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिला पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में और प्रभावी कार्रवाई विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत इनके विरुद्ध की जाएगी। वर्तमान में इन सभी को हिरासत में लिया गया है। इनसे विस्तृत पूछताछ पूछताछ नोट जो है वो पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है। इन सभी आज की कार्रवाई में हो सकता है कोई एक्साइज एक्ट की कार्रवाई भी उसमें हो, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हो, वो पृथक से जो है एक प्रेस नोट हम जारी करेंगे, उसमें वो संपूर्ण डिटेल साझा। और वीडियो ने पूरा दिन मन के लगा कि जिस हिसाब से झुंझुनू पुलिस देखिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार बार बार कर रही है और इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्या लगा कि झुंझुनू के अंदर जो अपराध है वो आपकी जड़ है, वो मजबूत मेरे हिसाब से कर कौन सके, वो थारी के ऊपर क्या रहेगी और के प्रशासन ने ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि हद तक से संतुष्ट कार्रवाई से हो, हर जी राय है बाबा ने कर्णों से जरूर होगा। वीडियो ने शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।